शेफ राम का इंट्रोडक्शन करने को मैंने सोचा आज। हेलो गाइस, आज हम अपने शेफ राम से मिल रहे हैं यहाँ पर। ये है शेफ राम और अभी हम हैं बिग पिक्चर में। आज का विजिट यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। ये जो यहाँ पर ह्यूज बुफे लगा हुआ है और डेजर्ट में गुलाब जामुन और अच्छा, तो इसमें है चार फ्लोर और चार फ्लोर में चार रेस्टोरेंट्स, वो भी वैरायटीज के। करना था यार, आज पूरा क्राउडेड है यहाँ पर। तो आज हम अपने शेफ राम के साथ काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हम आए इधर पे बिग पिक्चर में विजिट करने के लिए और आगे का भी दिखाते हैं आप लोगों को। क्राउड तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर किस तरीके का क्राउड है। सारे टेबल फुल हैं एकदम और ये अपना लाइव किचन है सामने। ये सब शेफ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और देख रहे हो आप लोग, मज़ा आ गया सारा देख के यहाँ पर। और ये इनका है यूटिलिटी एरिया, क्लीनिंग एरिया यहाँ पर, और यहाँ पर चल रही है क्लीनिंग। और आप चलते हैं किचन की और आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर हो रहा है चिकन मैरिनेशन करके रखा हुआ है मस्त, अब ग्रिल होने का। तो काम करता पर सब लोग, वेरी गुड। ये है लाइव काउंटर यहाँ पे, जबरदस्त तंदूर में लगे गुड मस्त वीडियो। दिखा जरा कबाब कबाब है लगे यार। माँ नौ कैसे में नौ बेच रही हूँ धर्मा। अच्छा, ये है शेफ धर्मा, ये लगे हैं यहाँ पर कबाब लगाने पे। और क्राउड आप लोग देख सकते हो वहाँ पर पूरा भरा हुआ है एकदम जबरदस्त है। ये चलेगा सब लोग, ये सब मिजा प्ला चल रहा है यहाँ पर मस्त है। ये है हमारे शेफ राम लगे हुए अपने काम करने में। ये है अपना यहाँ पर बारबेक्यू लगा हुआ है। और शेफ आपका नाम? आनंद। थोड़ा जोर से बोलेगा ना? आनंद। आनंद आनंद से बना रहे हो फिर ये ग्रिल पाइनएप्पल, ये येलो पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, प्रॉन्स प्रॉन्स मलाई और हरियाली फिश टिक्का। और ये भी ग्रिल हो रहा है मस्त बारबेक्यू स्टाइल में। और ये हमारे शेफ लोग सब लगे हुए हैं काम में यहाँ पे। सारे शेफ लोग बिजी है आज, आपको भी दिखा दें यहाँ से। और शेफ लगे हुए, और शेफ बढ़िया। आपका नाम शेफ? राम शेफ। आप? ओ डबल राम, मैं भी राम। चलो बढ़िया। ये है इंडियन फैशन यहाँ पे, ये बन रही है बिरयानी, ये भी बन रही है। ये क्या बन रहा है? यहाँ मटन बन रहा है और यहाँ बिरयानी बन चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पर भी बन रहा है।
यहाँ बन चुकी है बिरयानी, ऑलमोस्ट आप देख रहे हो दम में लग चुकी है, और बाजू में शेफ रगड़ रगड़ कर मटन बना रहे हैं, और हम घूम रहे हैं शेफ राम के साथ में, ले रहे हैं मजा। आप तो मस्त लग रहा है ना एकदम, आप मस्त लग रहा है इधर। अभी क्या बना रहा है, इसमें क्या बना रहे आप? राम सिंह शेफ का आशीर्वाद है। अरे नहीं तो हम थोड़ी देर आता, वो तो है इसके पास काम है, ठिकाना पड़ेगा ना। शेफ राम सिंह ने बहुत लोगों का भला किया है भाई, ऐसी बात नहीं, हम भी उनके पीछे हैं। मैं तो शेफ राम के साथ है। एक मिनट, जब मैं किधर काम करता था व्हाइट फील्ड में, और उसके बाद मैं किधर जाता था, उधर सीखने के लिए जाता था शेफ राम के साथ काम, किधर वो जायका में जाता था, उधर इधर से बिरयानी सीखने के लिए, करी सीखने के लिए, कबाब। अभी तक बुरा नहीं किया, नहीं वो अच्छी बात है, कोई बुरा बुरा कौन करता है किसी का, दिल से कोई नहीं करता कभी। अनफॉर्चुनेटली इसको आगे बढ़ना थोड़ी देर, वही तो शेफ राम का इंट्रोडक्शन करने को मैंने सोचा आज। पैसा आता नहीं तो ऐसा फ्री में कौन करता फिर ऐसे में आने का, कि सब जगह से पैसा आना है, यूट्यूब से भी पैसा आता है। वही तो अभी करना है, थोड़ा बड़ा करना है। सो गाइस, टुडे इज माय फर्स्ट ब्लॉग दैट आई एम डूइंग इन restaurant, and now I am in big picture Indranagar, and I thought I will share my experience about this Chef Ram, and these are my all my friends and my chefs where I worked before, and I have been worked with this chef, and I thought I will share my experience about this, so I am right now here. ये है इनका किचन, ये है टेबल, इसमें है कम से कम 4 से 5 फ्लोर, और ये बाजू में लीला पैलेस, आप लोग देख सकते हो लीला पैलेस का। ये हमारा चाइनीज किचन है। अच्छा, ये आपका चाइनीज किचन है, और ये अभी आज थोड़ा कम है, बाकी सब ये डिनर में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा क्राउडेड नहीं है उतना खास, बाकी सब फ्लोर पूरे फुल है। एक्चुअली विजिटर पास लेके हम बैठे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। ये देखो इंडियन स्टाइल का पान पट्टी यहाँ पर लगा हुआ है, पान पट्टी तो सब रेस्टोरेंट के बाहर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो। तो अभी आपको शेफ राम ब्यूरी का साइन कराना, तो ये है शेफ राम, जब तक साइन नहीं करेंगे कोई पेपर में, दिस इज द प्रोसेस दैट विच। तो यहाँ पर जब तक पेपर में साइन नहीं होगा तो स्टोर से सामान आपको इशू नहीं होगा, तो इंडिया का ये तो अच्छा सिस्टम है एक्चुअल, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक प्रोसेस के हिसाब से काम तो ऐसी तरीके से होना चाहिए, यही अच्छा है। सो दिस इज द ब्यूरी हियर, यू कैन सी ऑल दिस प्रोसेस, सो आई थिंक नाउअडेज ईच एंड एवरी पीपल नोज अबाउट दैट, आजकल वैसे सबको पता होता है, पर बेसिकली हम आपके साथ ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। चाहिए पिज्ज़ा सेक्शन, ये पिज्ज़ा सेक्शन है पूरा, एकदम थोड़ा सा रेस्टोरेंट थोड़ा डार्क जैसा है, इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यही आपको जो हमने ऊपर से दिखा रहे थे अभी, ये ब्यूरी हो गया उधर बियर का, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम क्राउडेड है आज, और हम ले रहे हैं पूरा विजिटिंग शेफ राम के साथ में। ये अभी नीचे के फ्लोर में हम लोग, ये अपना डेजर्ट काउंटर इनके सामने, ये एंट्रेंस है यहाँ पे बाहर के, खोलना जरा। अच्छा, ये यहाँ पे बिग पिक्चर का एंट्रेंस, अच्छा और ये है मेन किचन बिग पिज्जर का, आप लोग देख सकते हो। ये है यहाँ पर मस्त पिकअप काउंटर, और इसी तरीके से यहाँ पर पिकअप होता है खाना, एक बंदा यहाँ पर खड़ा रहकर ऑर्डर बोलेगा। अभी तो लंच टाइम है, तो यहाँ पर इतना कुछ खास क्राउड नहीं है उतना, पर जो ये होगा शाम का टाइम फुल क्राउडेड। We
बिरयानी खुल गया क्या? बिरयानी बिरयानी थोड़ा देखेंगे, बिरयानी बहुत दिन से। तो आज जो बिरयानी देखना है, काफी दिनों के बाद जो दम में बिरयानी बनती है, वो बिरयानी थोड़ा शेफ राम के साथ में। ये है इंडिया के बर्नल, ये देखो ये खाली पायलट है, ये देखो बड़ी अंडिया। अब देखेंगे बिरयानी को खोलने का, एक खोल खोल शेफ राम बिरयानी खोल रहे हैं अभी। हाँ हाँ मजा आ गया। ये है इतना बड़ा हंडी, ये है विराज का मेक एवरी मोमेंट अमाउंट। सो गाइस फाइनली ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहाँ पर, हम आ गए हैं वापस। और बताना कैसे लगा आप लोग को वीडियो, और मिलते हैं दूसरी कोई वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय।